नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघा वर्मा। स्वागत है आपका NI 24x7 न्यूज चैनल में। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आज आम आदमी पार्टी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार नदी नालों व तालाबों के क्षेत्र में रह रहे वासियों को हटाने की स्थिति में राज्य सरकार से उनके विस्थापन व पुनर्वास की मांग को लेकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी की प्रदेश संगठन मंत्री उमा सिसोदिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार नगर निगम द्वारा नदी नाले व तालाब क्षेत्र में बसे लगभग 11,000 परिवारों को जगह खाली करने के नोटिस दिए गए हैं, परंतु शासन को यह भी देखना चाहिए कि 11,000 परिवारों का विस्थापन व पुनर्वास की क्या नीति व व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि सन 2005 में कोर्ट के आदेश पर नदी नाला क्षेत्र में आबादी की बसावट को चिन्हीकरण किया गया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस भाजपा की सरकारों, जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया। वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस भाजपा के नेताओं ने रहवासियों को मालिकाना हक दिलाने का झूठा वादा किया, बिजली, पानी, राशन कार्ड व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी और अब आबादी बहुमूल्य हो जाने पर उन्हें निर्वासित किया जा रहा है। उमा सिसोदिया ने कहा कि इस निर्वासन से समाज के निचले व कमजोर तबके को एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है और उनके सामने जीवन निर्वहन का एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। जो राज्य सरकार इस समय जो बीजेपी की सरकार है, हम उनको सिर्फ ये जानने के लिए यहाँ पर आए हैं कि ये जो इतने लोग बेघर होंगे, तो राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, क्या वो उसको पालन करने के लिए उनके पास कोई रोड मैप है? इतने लोगों को बेघर करने के लिए तो आप बुलडोजर लेके आप पहुँच गए, आदेशों का पालन करते हुए, लेकिन जो लोग बेघर होने वाले हैं उनको लोग कहाँ बसाएंगे? जो इस समय बरसात का मौसम है, बारिश का मौसम है, तो राज्य सरकार की क्या तैयारियां हैं? इतने लोगों को जगह बसाने को लेकर क्या तैयारियां हैं? इतने बेघर लोगों को कहां पर वो बसाएंगे? उनका जो अपना लैंड बैंक है उसको क्या वो इन जो लोग जो बेघर होने वाले हैं क्या वो वहां पर उनको दोबारा पुनर्स्थापना करेंगे? तो हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड राज्य सरकार से है कि ये आपकी आपका ही कर्तव्य है। लोकतंत्र में हमारे संविधान में लिखा गया है कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कि वो बेघर लोगों को वो आवास मुहैया करें। तो हम ये डिमांड राज्य सरकार से करने आए हैं, त्रिवेंद्र सरकार से हमें डिमांड करने आए हैं कि जो भी लोग बेघर होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, तो आप हमें ये बताइए कि आप उनको कहाँ पर पुनर्स्थापना उनकी कहाँ पर आप उनको बसाएंगे। तो ये हमारी